हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड कैसे आप लोग, आई होप आप सब लोग सही होंगे। सो आज हम बात करने वाले महेश बाबू के बारे में। टाइटल थंबनेल देख कर पता चल ही चुका होगा कि आज हम किस बारे में बात करने जा रहे हैं। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है एंड ये जो टॉपिक है काफी सीरियस है, तो इसको लास्ट तक देखिए, उसके बाद ही मेरे को जज कीजिए कि मैंने क्या बोला क्या नहीं बोला। जो भी मैं बोलूंगा इसके अंदर, जो जो चीजें मैं रखने जा रहा हूँ, लास्ट तक देखिएगा एंड जो जो मैं बताऊंगा उसको समझने की कोशिश की एंड अपना ओपिनियन भी मुझे जरूर से दीजिएगा एज ए महेश बाबू फैन, एज ए फिल्मी फैन, एज ए ऑडियंस। आपको क्या लगता है, क्या सोचते हो, उस हिसाब से मेरे को कमेंट बॉक्स पे जरूर से बता सके। तो बेसिकली ये टॉपिक यहाँ पे उठा एक इंटरव्यू के दौरान एंड ये प्रमोशन के अंदर ये कंट्रोवर्शियल कमेंट उठ के आए। तो सबसे पहले महेश बाबू की तरफ से जो कमेंट है, उन्होंने जो भी चीजें यहाँ पे कहा है उसको थोड़ा साइड में रख एंड इस कमेंट को लेकर जो कंट्रोवर्शियल चीजें यहाँ पे बनाए जा रहे, मतलब जो भी उन्होंने नहीं कहा है उसको, मतलब कहते हैं ना कि बातों का पतंगर बना के कहा जाता है, तो सेम चीज यहाँ पे चल रहा है। तो ये चीज काफी गलत है जो उन्होंने कहा है, वो उसके बारे में हम बात करेंगे। अगर महेश बाबू गलत है तो महेश बाबू गलत है, हम बात करेंगे। लेकिन बातों का पतंगर बनाना, फालतू में किसी भी एक नॉर्मल टॉपिक को लेकर हाइप करवाना, ये काफी ज्यादा गलत है। और ये चीज करते हैं कौन पता, ये जो आप लोगों के रेपुटेटेड न्यूज चैनल से उनके माध्यम से ये सबसे पहले ये फालतू के अफवाह यहाँ पे फैलाए जाते हैं। मतलब बोलते कुछ और है और दो चार वर्ड यहाँ पे घुमा के उसको अलग ही दिशा दिखा के कुछ भी बना देते हैं, तो ये चीज काफी ज्यादा गलत। सो अभी बैक टू बैक अपने पॉइंट पे, तो महेश बाबू की तरफ से जो कॉमेंट यहाँ पे किए गए, महेश बाबू की तरफ से जो बातें यहाँ पे रखी गई, महेश बाबू ने जो खुद अपने बातें यहाँ पे रखी है, तो सबसे पहले महेश बाबू की मुझे दो बातें काफी ज्यादा खराब। पहले तो मैं कभी हिंदी मूवी के अंदर नहीं आने वाला एंड वो लोग मुझे अफोर्ड भी नहीं कर सकते। अगर आप लोगों को हमारे मूवीज देखना है तो हिंदी डब वर्जन देखना पड़ेगा, हम डायरेक्ट हिंदी के अंदर मूवी नहीं करने वाले और मैं कभी भी अपने लैंग्वेज को छोड़ के दूसरे लैंग्वेज के अंदर काम नहीं करने वाला। तो सबसे पहले ये जो दो पॉइंट महेश बाबू की तरफ से रखे गए, बहुत सारे लोगों ने इसको जो है नेगेटिव तरीके से लिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने कहा है मेरी कोई इच्छा नहीं है हिंदी मूवी के अंदर काम करने का और वो लोग मेरे को अफोर्ड भी नहीं कर सकते। अफोर्ड नहीं कर सकते इसका मतलब ये नहीं कि उनको ज्यादा पैसे चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अफोर्ड नहीं कर सकते इससे उनका अलग मतलब है जो कि गलत तरीके से आप लोग निकाल रहे हो, तो ये तो दिमाग से निकाल दो। उन्होंने इस कटाक्ष में तो ये चीज बिल्कुल भी नहीं कहा है कि उनको ज्यादा चाहिए या फिर वो बहुत बड़े स्टार है इसका रुतबा वो दिखा रहे, ऐसा भी बिल्कुल भी नहीं। अफोर्ड नहीं कर सकते इसका अलग मतलब है कि वो जैसे स्क्रिप्ट चाहते हैं, वो जैसे प्रोजेक्ट चाहते हैं, वो कभी हिंदी मूवीज के अंदर नहीं बनने वाला, वो लोग कभी उनको दे भी नहीं सकते, ये उनका मतलब है। सीधा सीधा उन्होंने यही चीज कहा। देखो ना, मैं कोई साउथ मूवी का हेटर हूं, अगर मेरे चैनल पे अंदर आप जाके भी देखो, ज्यादातर ज्यादा आपको साउथ मूवीज के ही जो है वीडियो से आपको देखने को मिलेंगे। क्यों देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैं हमेशा रियल मूवी को सपोर्ट करता हूं, वो बड़ा बिग बजट हो या फिर कम बिग बजट हो, मुझे को फर्क नहीं पड़ता। मेरे को फर्क पड़ता है कि वो एक रियल मूवी है और उसको सपोर्ट की जरूरत है, वो बड़ा हो छोटा हो मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मैं उसको सपोर्ट करता हूं। इसीलिए अगर देखा जाए तो ऐसे मूवीज अभी आपको साउथ मूवीज के अंदर नजर आएंगी, इसीलिए मैं साउथ मूवीज को सपोर्ट करता हूं और मैं करता रहूंगा अगर ऐसे मूवीज बनाएंगे। और बॉलीवुड मूवीज को हमेशा मैं बजाता रहा हूं, क्यों, क्योंकि वो ऐसे ही मूवीज देते हैं। और इसका मतलब ये भी नहीं कि मैं बॉलीवुड का हेटर हूं, उन्होंने मेरा कोई नहीं बिगाड़ा है, जब वो अच्छे मूवीज देते हैं मैं सपोर्ट भी करता हूं एकदम दिल से। और बेसिकली महेश बाबू की तरफ से जो ये रिएक्शन निकल के आए, जो उनसे पूछा गया, उस हिसाब से उन्होंने एकदम दिल खोल के जवाब दिए। उनमें से एक दो चीजें हमें खराब जरूर से लगे एज ए हिंदी ऑडियंस, हमें ऑब्वियसली बात है थोड़ा बहुत तो खराब लगे, लेकिन अगर टेक्निकली देखा जाए तो उनकी बात सही भी है, क्योंकि वो जो बातें यहां पे कर रहे सभी चीजें यहां पे सच है। लेकिन कुछ बातें यहां पे जो नहीं कहनी चाहिए थी वो भी उन्होंने यहां पे कहा है, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि महेश बाबू पैन इंडिया सुपरस्टार जैसे यश भाई बने, अल्लू अर्जुन बने, प्रभास बने, वैसे महेश बाबू भी बने, क्योंकि वो भी एक क्वालिटी सुपरस्टार है, वो भी डिजर्व करते हैं पैन इंडिया में आना, उनका भी हिंदी के अंदर काफी बढ़िया फैन बेस है। तो अगर आप ऐसे कुछ बोल जो आपका खुद का लैंग्वेज है, वहां के फैंस तो आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन जो आपका रॉयल हिंदी फैंस है उनको डिसअपॉइंटेड करना होता है। तो प्लीज अगर आप कुछ कमेंट करते हो तो थोड़ा इधर उधर करके बोलो, क्योंकि हिंदी के अंदर भी आपका सॉलिड वाला फैन है, एज ए आप एक स्टार हो तो ऑब्वियसली बात है सभी जगह से आपके फैंस होंगे। तो ऐसे कुछ मत बोलो जिससे कि आपका स्टारडम शायद से साउथ में बहुत बड़ा है एंड आप वहीं पे फिल्म बनाओगे। सही है जो आप कहना चाहते, तो मैं रिस्पेक्ट करता हूं आपके ओपिनियन, लेकिन एज ए सुपरस्टार आपके फैंस बहुत जगह पे हो, लेकिन अगर आप कुछ कहते हो तो थोड़ा सा आपको इधर उधर देख के कहना चाहिए एंड यही चीज मेरे को खराब लगी। बाकी ये जो चीजें यहां पे महेश बाबू की तरफ से कहा जा रहा है, महेश बाबू ने ये कहा वो कहा, वो पूरा का पूरा गलत है। ना महेश बाबू ने हिंदी ऑडियंस को कोई खराब चीज कही है, ना महेश बाबू ने ऐसे बॉलीवुड वालों को कोई रोस्ट किया है, ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। खुले दिल से जो उनको लगा है उन्होंने बेफिक्र होकर वो सभी बातें यहां पे कहा, लेकिन जो मैंने बताया कि एक बातें
मुझे खराब लगी जो मैंने बताया। तो आपको इस विषय में क्या कहना है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बता सकते हो। एंड ना महेश बाबू ना साउथ इंडस्ट्री से मेरा कोई हेट है, महेश बाबू का मैं भी बहुत बड़ा फैन है। एंड सभी चीजों को देखते हुए, सभी चीजों को समझते हुए जो मेरे को लगा वही मैंने आप लोगों को बताया। जो सच था मैंने आप लोगों को बताया, जो मुझे बुरा लगा मैंने बताया, जो मुझे सही लगा वो भी मैंने आप लोगों को बताया। अगर पूरा वीडियो देखा होगा तो आई थिंक आप लोग समझ पा रहे हो। अगर आप महेश बाबू के फैन है, बॉलीवुड मूवी के फैन है, हिंदी फैन से, तो भाई आप लोगों को जो लगता है मुझे ऑनेस्ट ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर से बता सकता। अगर आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा होगा, पूरा पॉइंट सुने होंगे, तो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे ना हो तो सब्सक्राइब कर देना। एंड इस विषय में आप लोगों को जो लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में उसे बता सकते हो। कॉन्ट्रोवर्सी करने का ना मेरा कोई इरादा है, ना मेरा कोई इरादा रहा भी। सो आज के लिए वीडियो इतना ही, मिलता है आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।